बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग था, तो सोचा क्यों ना आज कर लिया जाए। आज करने का मकसद यही है कि कॉलेज जल्दी छूट गया है और मैं बहुत सारा फ्री हूँ, और मुझे ब्लॉग बनाने के लिए पूरी शांति है क्योंकि रूम में कोई है नहीं। और ये जो दिख रहा है ये, हाँ वो मेरा नहीं है। सो ऐसा सोचने की गलती मत करना कि मैं कभी वर्कआउट करता हूँ, ना कभी नहीं। तो काम करने के लिए पहले थोड़ा सा बिल्डअप बनाना पड़ेगा, तभी तो मज़ा आएगा। सो लेट्स मेक द बिल्डअप एंड रोल द वीडियो। बिल्डअप हो चुका है तैयार और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो, चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, तभी मैं पहना है, पता नहीं क्यों पहना है, निकाल देता हूँ, छोड़ो, कुछ ज़्यादा ओवर लग रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चोटी है क्योंकि बाल बहुत बीच में आते हैं। लेकिन काम क्या है, काम है क्या, तो चलिए आपको दिखा दो काम क्या है। अब जरूरी काम ऐसा है कि इस कबर्ड को साफ करना है, क्योंकि ये मेरा कबर्ड है, इसको साफ मैं ही करूँगा। देख रहे हो क्या हालत हो गई है इसकी, मतलब कहाँ कौन सा कपड़ा रखा है, बुक्स कहाँ रखे, बीच में बैग रख दिए, क्या चालू है यार। आज तो इसको साफ करके ही रहेंगे। और मेन बात, अगर आप हॉस्टलाइट हो या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं कि ब्रांच के है, ज़रूरी ये है कि आप हॉस्टलाइट हो और आपको ये सिचुएशन पता हो कितनी दर्द भरी होगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए ज़रूर वीडियो पूरा देखना। मिशन चालू हो चुका है और सबसे पहले हम चालू करेंगे बेसिक, क्योंकि बचपन में पढ़ा है, क्योंकि जो भी काम करना है बेसिक्स बहुत क्लियर चाहिए। तो सर ने बोला था यार, मैंने मेरा नहीं सर का है, ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए बेस से चालू करेंगे। वैसे इसका कोई संबंध तो है नहीं, कौन सा भी चालू कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलता है, चलो सेट करते हैं। बैग है इसमें, मैं सब मेरे बिन काम के जो सामान है जो इसमें नहीं फिट होते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बिन काम के तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इसमें नहीं रखता, वो मैं इसमें रखता हूँ और सीधा बैग ही रख देता हूँ अंदर, मतलब स्पेस की कोई टेंशन ही नहीं। फाइनली फर्स्ट स्टेज ऑफ मिशन इज कम्प्लीट। मिशन पूरे तीन स्टेप का है, लोअर, मिडल और अपर। तो लोअर तो खत्म हो गया है, अब आप आ रही आती है मिडल की, लेट्स डू इट। मिडल का जो शेल्फ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे बुक्स का शेल्फ है और इसको मैं कतई गंदा नहीं रख सकता, पाप लगता है ना, पास भी तो होना है। ओके, सो बुक्स का शेल्फ भी साफ हो गया है, अभी बारी आती है सबसे टॉप और सबसे बकवास काम जो है कपड़ों का, क्योंकि पता होगा यार आपको, आप हॉस्टलिटी हो। फाइनली मिशन हो गया है और चलिए आपको दिखाते हैं।
कैसन बा, एकदम बढ़िया। कैसन लग रहा है अब हमारा कबाड़, कैसन लग रहा है भैया, एक नंबर। और ये वीडियो इंस्पायर था मेरे दोस्त से अभिराजकर, जिसका कपड़े देख के बहुत शर्माता है ये। मतलब बाल देखे, बाल देखे, पूरा प्रवीण तरड़े, पीवी जी का प्रवीण तरड़े हमारे। सो कैसा लग रहा है बताना कमेंट में। बहुत ज्यादा में बात ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेहनत तो की है बहुत। और आप अगर हॉस्टल में होगे तो आपको पता होगा कि गंदा कबड़ का दर्द क्या होता है। हो गया मिशन पूरा, मिशन करते करते बाल छूट गए, फिर भी कोई गम नहीं, लेकिन मिशन पूरा हो गया है। अब आगे के एक दो हफ्ते तो देखने की कोई बात नहीं, जब खराब होगा तो वापस कर लेंगे। और अगर आप हॉस्टल आइट हो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन आप कनेक्ट जरूर करोगे। और अगर कनेक्ट किया है तो जरूर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।